गुल्ली और गुल्ली के घर की ऊपर वाली खिड़की टूट गई है, जो के पोटीबा शोन ऊपर जाकर लगा रहा है, लेकिन इससे ये लग नहीं पा रही क्योंकि पोटीबा शोन काफी ज्यादा डर रहा है और इधर नीचे गुल्ली ने सीढ़ी पकड़ी हुई है। तभी गुल्ली कहता है, अरे जल्दी लगाओ वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। तभी इसकी ये बात सुनते शोन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी शोन कहता है, अरे हलवा है क्या, इधर ऊपर आके देखो कितना ज्यादा हवा का प्रेशर है, अरे मैं तो गिरने वाला हो गया हूँ। तभी शोन की बात सुनके बुल्ली इसे कहता है, अरे गुस्सा मत हो शोन, आराम से करो, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, इधर मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, अगर तुम गिरने लगे तो तुम्हें पकड़ दूंगा। तभी शोन का गुस्सा ठंडा होता है, शोन दोबारा से खिड़की सेट करने लग जाता है, लेकिन जहाँ पर एक बच्चा आ रहा है। अरे आखिरकार ये बच्चा किसका है, जो कि गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ आ रहा है। इधर गुल्ली बुल्ली अपने काम में मसरूफ होते हैं। तभी ये बच्चा वहाँ पे रोने लग जाता है, अरे ये बच्चा कौन है, दोस्तों आप इसको नहीं जान पाएंगे क्योंकि ये तो इस चैनल पर आता ही नहीं है, ये तो इस चैनल पर आता है, दोस्तों अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर देख सकते हैं। तभी बुल्ली से पूछता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो। तभी इसकी ये बात सुनते ही ये कहता है, मेरा नाम चंटू है और मेरा दोस्त इस वक्त मुसीबत में है, प्लीज उसे बचा लीजिए। इधर शोन नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी सीढ़ी स्लिप हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, अरे मैं तो हेल्प मांगने आया था, अरे तुम लोगों ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया, अरे इसको हटाओ। अरे बेचारा शोन तो बेहोश हो गया, इसके ऊपर बहुत ही भारी सीढ़ी गिर गई है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अरे बेचारे शोन का क्या हो गया, ये तो पहले ही डर रहा था। बुल्ली और चंटू काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि पोटीबा शोन के ऊपर सीढ़ी गिर गई है। तभी चंटू इनसे कहता है, अरे मेरी मदद करो, मुझसे टेंगे टेंगे मिलने आया था लेकिन दो मॉन्स्टर उसे उठाकर ले गए हैं, मेरी मदद करो। तभी बुल्ली कहता है, अरे ये टेंगे टेंगे ने मेरे सर में दर्द करके रखा हुआ है, मुझे उससे चिढ़ है, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। तभी गुल्ली बुल्ली की तरफ देखता है, गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे ऐसा नहीं करते, ये बेचारा हमारी उम्मीद में आया है, हम इसके साथ जरूर जाएंगे, उसकी मदद भी करेंगे और मॉन्स्टर को सबक भी सिखाएंगे और मॉन्स्टर की शक्तियों को चीर फाड़ देंगे। इधर चंटू कहता है, अरे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मेरे साथ चलो और उसको बचाने में मेरी मदद करो, अगर तुम उसे बचाओगे तो जितने भी बंदे देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे। तभी बुल्ली कहता है, अच्छा ये बात है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, चलो आओ फिर उसको बचाते हैं बेचारे को। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है, अरे पहले रोड की तरफ जाना, उसको भी साथ ले जाएंगे। तभी गुल्ली कहता है, अच्छा ठीक है, रोड को भी साथ ले जाएंगे, हमारी वहाँ पे मदद हो जाएगी। तभी चंटू डर जाता है और इनसे कहता है, अरे रोड तो खतरनाक है, मुझे वो खा जाएगा। तभी इसकी ये बात सुनते ही गुल्ली इसे समझाने लगता है कि अरे वो तुम्हें नहीं खाएगा, वो हमारा दोस्त बन चुका है, अरे पहले वो काफी ज्यादा घटिया था, कमीना था, लेकिन अब ठीक हो गया है। तभी गुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और फिर वहां से ये जाने लगते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा गलत कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि ये बाबा को साथ ले जाएं, क्योंकि सामने मॉन्स्टर हैं, इनसे ये लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि इनमें इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं है जो कि बाबा में है। तभी ये सारे वहां से जाने लगते हैं रोड के घर, क्योंकि रोड को साथ लेके जाना होगा, कोई ना कोई इनके साथ बड़ा होना चाहिए, और रोड से बड़ा कौन है यहाँ पे, अरे रोड तो काफी ज्यादा पावरफुल है, सबको फ्रीज कर देता है। अरे यही है वो सीढ़ी जो कि पोटीबा शोन के ऊपर गिरी है और पोटीबा शोन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। तभी ये जंगल के रास्ते होते हुए जाने लगते हैं रोड के घर। अरे एक तो अपना रोड जंगलों में रहता है, अरे ना जाने रोड को क्या हो गया है, गुल्ली और गुल्ली ने कितनी बार समझाया है कि वो अपना घर गुल्ली और गुल्ली के घर के साथ ले ले, ताकि कभी भी मदद की जरूरत हो तो उसको साथ ले जाए, लेकिन रोड ऐसा करने को तैयार नहीं है। थोड़ी ही देर बाद गुल्ली बुल्ली वहाँ पर पहुँच जाते हैं रोड के घर। अब ना जाने रोड घर पे होगा या फिर नहीं, अरे इस टाइम तो वो घर ही होगा, लेकिन चंटू को काफी ज्यादा रोड से डर लगता है। तभी चंटू काफी ज्यादा डरा हुआ है। थोड़ी ही देर बाद ये उसके घर पहुँच जाते हैं, बस अब जल्द से जल्द बेचारे टेंगे टेंगे को बचा लें, क्योंकि टेंगे टेंगे पहली बार इंडिया आया है और आते साथ ही मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है। तभी बुल्ली रोड को बुलाने लगता है, अरे रोड जल्दी आ जाओ, हम वेट नहीं कर सकते, हमें टेंगे टेंगे को बचाना है और अपने मुल्क की इज्जत भी बचानी है। तभी बुल्ली की बात सुन के ये चमक छल्लो की तरह वहाँ से चल के आने लगता है। अरे इसके अंदर कौन सा फैशन घुस गया है, अरे रोड कहीं पागल तो नहीं हो गया या फिर आइसक्रीम में चौकीन डाल के पी गया है। दोस्तों इसको जो भी हुआ है इसकी एक बार कमेंट में सही से धुलाई करो, फिर ये ऐसे नहीं करेगा।
तभी ये कहता है, अबे ओ इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर नहीं फिरना चाहिए। तभी ये चंटू की तरफ देखता है और कहता है, अरे इसको तो मैं खा जाऊंगा, अरे ये तो बच्चा है, शुक्र है तुम ले आए हो। तभी चंटू काफी ज्यादा डर जाता है और टायर के पीछे छुप जाता है। अरे यही तो डर था बेचारे को। तभी गुल्ली से समझाने लगता है, अरे वो मजाक कर रहा है, अरे वो मजाक किया है, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, अरे वापस ऊपर आओ। तभी चंटू वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है और इधर रोड भी इसके साथ बैठ जाता है और ये रोड की तरफ देखने लगता है और तभी रोड इसे डराने लगता है। अरे बेचारे चंटू को रोड डरा रहा है। तभी चंटू काफी ज्यादा डर जाता है। तभी रोड इसे कहता है, अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, अरे मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। तभी बुल्ली चंटू से कहता है, अरे अब बस भी करो, अब हंस के दिखा दो, घंटे से तुम्हारा मुंह बना हुआ है। तभी चंटू हंसने लग जाता है। तभी बुल्ली कहता है, ये हुई ना बात, अब चलो चलते हैं। तभी गुल्ली जीप को स्टार्ट कर देता है और रोड कहता है, चलो जल्दी चलो, टेंगे टेंगे को बचाना है और अपने देश की इज्जत को बचाना है। तभी ये वहाँ से जाने लगते हैं। अब तो इनके साथ रोड भी मिल गया है, इसका मतलब अब ये आसानी से लड़ पाएंगे, लेकिन वो मोस्टर है, उनके साथ सिर्फ बाबा ही लड़ पाएगा। तभी थोड़ी ही देर बाद ये लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ के बारे में चंटू ने बताया था कि जिस जगह पर वो पकड़ कर ले गए हैं। अरे अब यहाँ पर वो हो भी सही, कहीं वो टेंगे टेंगे को लेकर कहीं चले ना गए हों। तभी थोड़ी ही देर बाद ये वहाँ पर पहुंच जाते हैं। टेंगे को देखते ही चंटू कहता है, अबे उसे छोड़ दो वरना बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बाबा काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी ये कहता है, अरे बुलाओ अपने बाबा को, मैं किसी से नहीं डरता, हा हा हा। तभी रोड कहता है, अरे ये ठीक कह रहा है, अरे बाबा काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं भी काफी ज्यादा खतरनाक हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी दूसरा मोस्टर कहता है, अबे जो भी दिखाना है जल्दी दिखाओ वरना टेंगे टेंगे को कुचल कर इसकी पोटी निकाल दूंगा, अरे काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी गुल्ली कहता है, अरे देखे हैं मेरे डोले, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद, अरे ये क्या हो गया, मॉन्स्टर ने तो इन्हें पकड़ लिया, तो दोस्तों क्या होगा, क्या ये मॉन्स्टर के वार से बच पाएंगे, क्योंकि मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इन्हें बाबा को अपने साथ लेकर आना चाहिए था जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।